तो भले नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैगजीन में एक बार फिर से। तो हम लोग बात कर रहे थे रेनगे वगैरह के बारे में, बात कर रहे थे कि रेनगे नेटवर्क क्या होता है, फिर इंडिया में कितना कितना प्लेस पे कितना रेनगे लगना चाहिए, कितना रेनगे लगा हुआ है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेनगे कहाँ पे है, कौन सा देश में है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने चर्चा किया था पिछले लेक्चर में, फिर टाइप ऑफ रेनगे के बारे में आप लोग को मैंने बताया था। चलिए अब उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कि कितना नंबर ऑफ रेनगे एक्यूरेटली लगेगा, कितने बड़े एरिया में ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज हमको देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज, मतलब कितना नंबर ऑफ रेन गेज एक्यूरेटली हम लोग लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है पहला स्टेप वन, स्टेप वन में क्या है, तो इसमें कुछ स्टेप्स है। पहले स्टेप वन में क्या है, पी बार इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस डॉट डॉट पी एन तक बाय में है। अब ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ये सब है क्या, व्हाट इज दिस, ये जो हमने यहाँ पर सवाल लगा है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ये सब है क्या, क्या नहीं है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक बेसिक से समझाते हैं, तो समझिएगा कि मान लो कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया, उस एरिया को हम लोग यहाँ पर क्या बोले, मान लीजिए ये क्या हो गया, कोई एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोले कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया मैंने आपको बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मैं पिछले लेक्चर देख सकते हैं, आपको कैचमेंट एरिया वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। मान लो कोई भी एरिया उसको हम क्या बोलते हैं कैचमेंट एरिया, यहाँ पे कुछ रेनगेज लगा हुआ है, एक रेनगेज, दो रेनगेज, तीन रेनगेज, चार रेनगेज, पांच रेनगेज, छह रेनगेज, कुछ लगा हुआ है। तो ये सब जो रेनगेज है, रेनगेज में जितना वैल्यू आ रहा है ना, जितना मेरा रेनफॉल का वैल्यू है, रेनफॉल इंटेंसिटी का वैल्यू आ रहा है, कितना रेनफॉल हुआ है, वो तो क्या है वैल्यू पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, ठीक है। एन नंबर ऑफ रेनगेज है तो एन वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा कि यहाँ सब जगह का कितना कितना रेनगेज हुआ वो यहाँ पे वैल्यू हो गया। अब भाई में एन मतलब एन क्या है, कितना टोटल नंबर ऑफ रेनगेज कितना लगा हुआ है, वो चीज यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसके बाद हमको क्या जानना है, इसके बाद हमको जानना है कि पहले तो हम लोग पीवर निकाले, क्या निकाली है, हम लोग पीवर निकाल चुके हैं, पीवर निकल गया। अब पीवर के बाद क्या करेंगे, पीवर के बाद कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब पीवर के बाद क्या बात करेंगे, हमको एच डी निकालना है, एच डी मतलब सरफेस डेंसिटी, एच डी क्या निकालना है, सरफेस डेंसिटी। अब एच डी कैसे निकलेगा, तो वही हम मैंने पीवा निकाल लिया, और पीवा पी टू पी पृथ्वी पी फोर पहले दिया है, तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या निकालना है, सरफेस डेंसिटी ऑफ किसका, एन माइनस वन का, इसे निकालना एन माइनस वन का सरफेस डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ तक, तो पी वन से पी टू लास्ट तक जाएंगे, पी वन माइनस पी बार का होल स्क्वायर, पी टू माइनस पी बार का होल स्क्वायर, पी थ्री माइनस पी बार का होल स्क्वायर, डॉट डॉट जहाँ तक मैं है दिया वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। बाय में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, किसान एन माइनस वन का निकाले, तो यहाँ पर एन माइनस वन तक का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ तो समझ आया। चलिए यहाँ क्या निकल गया, मेरा एन माइनस वन का निकाल चुके हैं दो स्टेप। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा में हम लोग क्या निकालना है, सीबी निकालना, क्या निकालना, सीबी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वो क्या होता है, सीबी होता है, मतलब कितना कितना से वो वेरी कर रहा है, जो भी रेनगेज वगैरह है वो यहाँ पे निकालेंगे। और यहाँ पे आपको ई दिया हो रहा है, मतलब कि कितना परसेंट ऑफ इरर आप अलाउ कर रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन वगैरह जो भी रहेगा उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ई के लिए घबराना नहीं है, ई आपको उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप सीबी निकाल, सीबी कैसे निकलेगा, सिग्मा एन माइनस वन हम निकाल चुका है, पी वन निकाल चुका है, सिग्मा एन माइनस वन बाय पी वन इंटू हंड्रेड से उसमें निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप थ्री कंप्लीट, और स्टेप फोर में क्या हो जाएगा, एन निकाले, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रेनगेज एक्यूरेटली कितना होना चाहिए, यहाँ निकल जाएगा एन। तो एन के क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज किससे, किसको हम डिनोट करेंगे, एन से। तो एन क्या निकलेगा, सीबी बाई ई का होल स्क्वायर, सीबी बाई ई का होल स्क्वायर, सीबी निकला हुआ ई का आपको क्वेश्चन में दिया रहा है, उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो मैं क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। अब यहाँ एन निकल गया, अब पहले से भी कुछ रेनगेज दिया हुआ है, तो मतलब कितना हमको और एक्स्ट्रा चाहिए, वो चीज निकालेंगे ना, कितना और हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज निकालना होगा। तो क्या कर देंगे, तो जितना हमको एक्यूरेटली चाहिए, माने जितना दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा कि कितना हमको रेनगेज एक्यूरेटली हमको चाहिए एक्स्ट्रा, वो चीज यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और थोड़ा स्टेप समझ में आया, एक बार मैं फिर से कराता हूँ, पहले पी वन निकालेंगे, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डॉट डॉट पी एन बाई एन करके पी वन निकालेंगे, उसके बाद सिग्मा एन माइनस वन निकालेंगे, जिसको हम सरफेस डेंसिटी बोल रहे हैं, पी वन माइनस पी वन का होल स्क्वायर, पी टू माइनस पी वन का होल स्क्वायर, डॉट डॉट लास्ट तक बाई एन माइनस वन का अंडर रूट, सिग्मा एन माइनस वन निकालेगा, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद सीबी निकालेंगे, सीबी सिग्मा एन माइनस वन बाई पी इंटू हंड्रेड से क्या निकल जाएगा, सीबी निकल जाएगा, सीबी निकालने के बाद आप एन निकाल सकते हैं, सीबी बाई का होल स्क्वायर सीधा,
वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, मैं क्या निकल एन। अब आपको एडिशनल नंबर आप लेंगे, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो एन माइनस जो दिया हुआ है उसमें वो माइनस कर देंगे, तो आपको एडिशनल कितना चाहिए वो पता चल जाएगा। या फिर आपको सिर्फ पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इंडियन टोटल होगा ये बताइए, तो हम सीधा यहाँ पे आंसर में हम एन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस वीडियो को करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीबी दिया हुआ है 29.54%, क्या दिया हुआ है सीबी 29.54% दिया हुआ है, ठीक है। ई दिया हुआ है, वह है कितना 10%, ठीक है। इसमें निकालना है एन की टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंडिंग बताइए कितना होगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंडिंग बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहा कब का है, तो ईएसई 2010 का, कब का ईएसई 2010 का क्वेश्चन है, मतलब ईएसई 2010 का इतना इजी सा क्वेश्चन आप लोगों को शायद बहुत कम देखने को मिलता होगा। ईएसई का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। सीबी भाई सीबी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इसको एन निकालना है। एन के लिए क्या मैंने बताया, एन निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला था सीबी भाई का होल स्क्वायर, सीबी और ई तो दिया हुआ है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देना है, 29.54/10 उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो एन निकल गया 8.762। तो कोई भी रेंगेज क्या हाफली रहेगा पार्शियली रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या उससे कम नहीं रख सकते, उससे एक ज्यादा बढ़ा देंगे। तो 8.726 को यहाँ पर एन को वैल्यू कितना लिया, मैंने यहाँ पर 9 लिया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रेंगेज कितना हो सकता है, तो 9 हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो और भी आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले भी क्वेश्चन है तो उसको भी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए सोचना नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतना बताया, ठीक है, आपको मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। हाँ, तो पहले हंसते रहिए, मुस्कते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।